से इंस्टेंट पर्सनल लोन लेना है तो आपको जो है इन डॉक्यूमेंट को रेडी करके रख लेना। आपको जो प्रोसेस है वो जल्दी जल्दी करना होता है और 5 मिनट से कम में भी आपका जो सारा प्रोसेस है वो लोन का हो जाएगा। आपको आधार कार्ड रेडी रख लेना अपना, आधार कार्ड अगर मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उसके साथ तो और भी बढ़िया बात है, अगर नहीं है तो इसमें आपको मैनुअली अपलोड करने का भी ऑप्शन मिल जाता है। पैन कार्ड अगर ओरिजिनल है तो रख लेना, नहीं तो आपका जो नंबर है उससे भी काम हो जाएगा। लास्ट 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट आपको अपलोड करना होगा, अगर आपके पास नहीं है तो इसके भी 3 ऑप्शन आपको जो है देखने को मिल जाते हैं, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और बैंक का एक एटीएम कार्ड सेल्फी आपको अपलोड करनी होती है। और यहाँ पे माइनस सिविल पे भी लोन हो जाता है, अगर आपका 700 से ऊपर लोन है तो भी आपका यहाँ पे लोन हो जाता है, अगर 0 सिविल का भी लोन नहीं लिया है तो भी आपका जो लोन है यहाँ पे हो जाता है। इन सभी डॉक्यूमेंट को आपको जो है जरूर से रेडी करके रख लेना और फास्ट प्रोसेस इसमें आपको करना होता है। फिर आपको जो है इस वाली वेबसाइट पे आ जाना है, इस वाली वेबसाइट का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, IIFL फाइनेंस इंस्टेंट पर्सनल लोन अप्लाई लिंक, आप जैसे ही उस पर क्लिक करोगे तो आप जो है इस वाले पेज पे आ जाओगे। 3 स्टेप में आपका लोन है अप्रूव हो जाता है। आपको अप्लाई फॉर लोन पे क्लिक करना, लोन अप्लाई करने के लिए अपना मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे एंटर करना है, वेरीफाई मोबाइल पे क्लिक कर, आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP सेंड की जाएगी, उस OTP को यहाँ फिल करना है, वेरीफाई OTP पे क्लिक करना है, फिर अपना पैन कार्ड नंबर डालना है, ईमेल एड्रेस डालना और नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना और आपके पैन कार्ड से आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर फेच कर लिया जाएगा। अगर गलत नेम वगैरह आ जाता है तो आप जो चेंज पैन पे क्लिक करके पैन कार्ड नंबर चेंज कर सकते हो, अदरवाइज आपको आई कन्फर्म पे क्लिक करना, अपने एरिया का जो पिन कोड है, जो आपके आधार कार्ड पे पिन कोड अवेलेबल है वो पिन कोड आपको यहाँ पे फिल करना और सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर देना, सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर देना। यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर फिर से वेरिफिकेशन करना होगा, आई हेयर बाय कंसेंट टू पिन बॉक्स पे आपको क्लिक करना है, सेंड OTP पे क्लिक करना, आपके मोबाइल नंबर पे फिर से एक OTP सेंड की जाएगी, उस OTP को फिल करना और वेरीफाई मोबाइल नंबर पे आपको क्लिक करना, आपका जो सिविल है वो यहाँ से फेच किया जाएगा, उसकी OTP आपके मोबाइल नंबर पे सेंड की जाएगी। इस काम को आप अपने मोबाइल फोन से भी जो है कर सकते हो और उस OTP को यहाँ पे फिल करना, फर्स्ट डिजिट आपके सामने जो है आ जाती है जो आपके सिविल के साथ रजिस्टर्ड है और सबमिट पे आपको क्लिक करना, यहाँ से आपको लास्ट 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट अपलोड करना होगा। अगर ये आपके सामने आया था समझ लो आपका जो लोन है वो अप्रूव हो जाएगा, अगर बैंक का स्टेटमेंट आपका ठीक ठाक होता है तो आपके सामने ऑफर जनरेट होके आ जाएगा कि कितना लोन आपको मिल सकता है। यहाँ से आपको अपना बैंक अकाउंट सर्च कर लेना, जो डॉक्यूमेंट जो पैन कार्ड आप जिसके दे रहे हो उसी का बैंक अकाउंट आपको यहाँ पे देना होगा, बैंक सर्च कर लेना। यहाँ पे जो है सभी के जो अलग अलग ऑप्शन होते हैं, जैसे कि यहाँ पे 2 ऑप्शन आए हैं, बैंक स्टेटमेंट और नेट बैंकिंग, वैसे 3रा ऑप्शन और आता है एग्रीटर का, जिसमें क्या होता है जो आपके बैंक के साथ मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उसको आपको यहाँ पे डालना और OTP सेंड की जाएगी, उस OTP को आपको फिल करना है तो ऑटोमेटिकली जो डाटा है ना वो फेच कर लिया जाता है और सारा जो है सिक्योर होता है। अगर आप बैंक स्टेटमेंट अपलोड करना चाहते हो जो कि मोबाइल बैंकिंग यहाँ पे नेट बैंकिंग से सेलेक्ट करके और डाउनलोड उसको करके यहाँ पे अपलोड कर सकते हो और उसमें आपको नेम वगैरह बिल्कुल भी चेंज जो है नहीं करना होता है, चूज PDF फाइल पे क्लिक करना, यहाँ पे आपके सामने लिखा भी आ जाता है कि कितने मंथ से कब तक का स्टेटमेंट आपको यहाँ पे अपलोड करना होता है। अगर आप कम का अपलोड करते हो तो आपके सामने आ जाएगा कि इतने मंथ का बैंक स्टेटमेंट इसमें मिसिंग है, तो फिर से वो आप PDF आपको अपलोड कर देना। किसी केस में क्या होता है कि एक साथ जो है 6 मंथ का नहीं आ पाता है बैंक स्टेटमेंट, तो आप 3 मंथ का भी अपलोड यहाँ पे कर सकते हो। अगर आप जो है नेट बैंकिंग चालू है तो सबसे बढ़िया प्रोसेस यही रहेगा, अपना यूजर नेम डालो, पासवर्ड डालो, यहाँ पे जो है काफी ज्यादा 256-bit एनक्रिप्शन की जो सिक्योरिटी है वो लगाई जाती है और आपको यहाँ पे लॉगिन कर देना, आपको यहाँ पे जो कैप्चा कोड है ये वाला फिल करना और वेरिफिकेशन एप्लीकेशन प्रोसेस में होता है और तुरंत ही आपके सामने जो है लोन ऑफर आ जाता है। ये सॉफ्ट अप्रूवल है, आप यहाँ देख सकते हो कितना लोन आपको लेना, वो इसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके, जैसे कि आप कम से कम 5,000 तक का लोन आपको लेना होगा, अगर लेना चाहते हो तो ज्यादा से ज्यादा आप 1,38,000 का लोन ले सकते हो। इंटरेस्ट रेट आप यहाँ पे देख सकते हो, EMI अमाउंट देख सकते हो, यहाँ पे कितने मंथ के लिए ये जो है लोन मिल रहा है, यहाँ पे आप डिजिबल अमाउंट देख सकते हो, 1,31,774 रुपये कस्टमर के बैंक में पहुंचाया जाएगा। ये प्री EMI है, यानी कि थोड़ा सा अमाउंट फर्स्ट EMI का आपका इसमें से डिडक्ट पहले ही कर लिया जाता है, आपके उस पे जो 6% की 18% की GST लगाई जाती है, 2.5% की प्रोसेसिंग फीस काट के इतना पैसा आपके बैंक में जो है पहुंचा दिया जाता है। फिर आपको यहाँ पे जो लोन की डिटेल्स है उनको फिलअप करना होगा, लोन रीजन आपको सेलेक्ट कर लेना है कि आप जो ये लोन है वो क्यों ले रहे हो, वो रीजन आपको सेलेक्ट करना है और नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ से आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स को फिल करना होगा
अपना एजुकेशन लेवल आपको सेलेक्ट कर लेना, आप 10th पास हो, 8th पास हो, ग्रेजुएट हो, अपने अकॉर्डिंग आपको फिल करना, फादर नेम फिल करना, आधार कार्ड पैन कार्ड के अकॉर्डिंग, मैरिटल स्टेटस आपको सेलेक्ट करना, ऑक्यूपेशन टाइप आपको सेलेक्ट कर लेना, और ना तो आपके पास कोई वेरिफिकेशन कॉल आएगी, ना ही कोई आपका जो है होम प्रेजेंट पे जो है वेरिफिकेशन होगा, वो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हो, या तो यहाँ पे सर्विस या सेल्फ एम्प्लॉयड जो आप सेलेक्ट करना चाहो वो यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो। रेजिडेंशियल स्टेटस आपको सेलेक्ट कर लेना, आपका खुद का रेंट पर है, अपने अकॉर्डिंग फिल करना और सबमिट पे आपको क्लिक कर देना। यहाँ पे आपको जो है केवाईसी करनी होगी, आपके पास जो है केवाईसी करने के दो ऑप्शन मिलते हैं। पहला है कि अगर आपके आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है तो आप जो है लॉग इन यूजिंग डिजी लॉकर, इससे क्या होता है सारा प्रोसेस फास्ट हो जाता है, और इससे भी जो है फास्ट ही प्रोसेस होता है। अगर आपके आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको जो है अपलोड डॉक्यूमेंट्स मैनुअली, आपको यहाँ पे जो अपना डॉक्यूमेंट्स है वो मैनुअली तरीके से अपलोड करने होंगे। मैं तो बोलूंगा अगर आपके आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है तो लिंक यूजिंग डिजी लॉकर से आपको जो है कर देना। लिंक यूजिंग डिजी लॉकर पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड नंबर फिल करना है, ये वाला कैप्चर कोड एज इट इज यहाँ पे फिल करना और नेक्स्ट पे आपको क्लिक। आपके आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर ओटीपी सेंड की जाएगी, उस ओटीपी को यहाँ फिल करना, कंटिन्यू पे क्लिक करना। यहाँ पे आपको एक 6 डिजिट का जो पिन है वो बनाना होगा, अगर ऐसा लिखा आता है तो आपको नया पिन कुछ भी डाल देना, 1 2 3 4 2 2 जो भी चाहे वो आप 6 डिजिट का डाल सकते हो। अगर आपने पहले कभी केवाईसी किया है तो आपका पिन जो बना हुआ होता है वो डाल देना, अगर याद नहीं है तो आप उसको फॉरगॉट पिन पे क्लिक करके फॉरगॉट भी कर सकते हो, और आपको यहाँ कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक और आपको यहाँ अलाव वाले बटन पे जो है क्लिक कर देना, आपकी जो केवाईसी है वो सक्सेसफुली यहाँ से डन हो जाएगी। अगर मान लो किसी केस में आपके आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको अपलोड डॉक्यूमेंट्स मैनुअली पे क्लिक करना, फिर आपको जो है यहाँ से अपने केवाईसी के सभी जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करने होंगे। अपलोड सेल्फी पे क्लिक करके आपको सेल्फी अपलोड करनी होगी, पैन कार्ड अपलोड करना होगा, जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हो आपको जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से सेल्फी को अपलोड करना है। टेक फोटो पे क्लिक करना, सेल्फी पे आपको यहाँ क्लिक करना और कैमरा वाले आइकन पे क्लिक करना, और आपकी जो सेल्फी है वो यहाँ से अपलोड हो जाएगी। इसी प्रकार आपको जो है अपना आधार कार्ड अपलोड कर सकते हो, एड्रेस प्रूफ में वोटर आईडी या फिर पासपोर्ट किसी एक को भी आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा, फ्रंट और बैक साइड दोनों आपको यहाँ से अपलोड कर दे, जैसे चाहे जैसे आप जो अपनी केवाईसी कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको बता दिया सारे प्रोसेस बता दिए आपकी केवाईसी करने के, फिर आपको जो है नेक्स्ट आना है अपना जो बैंक अकाउंट है वो वेरीफाई आपको यहाँ पे करना होगा। वेरीफाई बैंक अकाउंट पे आपको क्लिक करना है, यहाँ से आपको अपना आईएफएससी कोड डालना है और आपके बैंक अकाउंट में वही नेम होना चाहिए जो आपने स्टेटमेंट अपलोड किया था, आईएफएससी कोड डालना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना, आपकी जो सभी डिटेल्स हैं आपके सामने आ जाएंगे, आपकी ब्रांच आईएफएससी कोड अकाउंट नंबर आपको यहाँ पे डालना है और सबमिट पे आपको क्लिक कर देना। आपको यहाँ पे जो है नेच को सेटअप करना होता है, यानी कि आपके बैंक अकाउंट से ईएमआई ऑटोमेटिक डिडक्ट हो जाए, कट जाए, जो डेट आपको डिसाइड की जाएगी ऑटोमेटिक। दो ऑप्शन होता है, पहला है नेट बैंकिंग, दूसरा है एटीएम कार्ड। तो आप जो है एटीएम कार्ड के थ्रू ही आपको जो है कर देना, सेट यूजिंग डिजी एटीएम कार्ड पे आपको क्लिक करना, सभी डिटेल्स आपके सामने आ जाती हैं, एटीएम कार्ड को सेलेक्ट करना, दिस इज द कंफर्म पे आपको क्लिक करना और सबमिट वाले बटन पे क्लिक करना। और जैसे कि हम SBI बैंक से कर रहे हैं तो सभी बैंकों का थोड़ा सा जो प्रोसेस है ना वो अलग होता है, किसी में OTP आती है किसी में नहीं आती है, लेकिन सिमिलर सा ही प्रोसेस होता है, वो आप जो है देख लेना। वो OTP फिल करनी है, कंफर्म पे आपको क्लिक करना, यहाँ से फिर से आप अपनी सभी जो डिटेल्स है ना उनको देख सकते हो। आपको जो है क्लिक करना है, यहाँ से जो कार्ड नंबर है वो आ जाएगा, ATM कार्ड जैसे कि जो भी एक्टिव है प्रेजेंट टाइम में आप देख सकते हो, और उसको आपको सेलेक्ट करना है, कन्फर्म पे क्लिक करना है, आपको यहाँ पे कार्ड होल्डर नेम डाल देना, और जो पिन आप जब पैसे विड्रॉ करते हो बैंक से ATM से तो वो पिन आपको यहाँ पे डाल देना, एक्सपायरी डेट डालनी है जो कि आपके ATM कार्ड पे मिल जाएंगी, ये वाला जो कैप्चा कोड है यहाँ पे आपको फिल करना और प्रोसीड पे क्लिक। फिर आपके सामने जो है आपकी पेमेंट की डिटेल जो आ जाएंगी, आई एग्री फॉर द डेबिट ऑफ मैंडेट आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको नेक्स्ट करना है और नीचे आपका जो मैंडेट है वो सक्सेसफुली हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आपको ऑटो पे सक्सेसफुल हो चुका है, आपका लोन है वो डिस्बर्स आपके बैंक अकाउंट में ऑटोमेटिकली करा दिया जाएगा, आपको डन पे क्लिक करना। यहाँ पे आपको एग्रीमेंट को साइन करना होगा, सभी चीज को आपको इसमें रीड कर लेना, आई हैव केयरफुली रीड एंड अंडरस्टैंड टर्म एंड कंडीशन पे क्लिक करना, जैसे कि अमनदीप कुमार इंटरेस्ट रेट कितनी पड़ी है, लोन कितना हुआ, ब्रांच देख सकते हो, सिटी देख सकते हो, कब कब ईएमआई आपके बैंक से कटेगी, वो सभी चीज आप यहाँ पे देख सकते हो। ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पे सेंड किया गया, उस ओटीपी को फिल करना और वेरीफाई पे क्लिक करना। यहाँ पे लोन सैंक्शन हो चुका है, यानी कि अब सारा काम खत्म हुआ, इससे आगे आपको
कोई भी प्रोसेस जो है नहीं करना, इसका स्क्रीनशॉट आपको जो है रख लेना। अब बात कर लेते हैं कि आपको जो है आपका कमीशन कैसे मिलेगा। मान लो 1 लाख का लोन हुआ है, वो 1.5% उसका जो है 1500 रुपये होता है, तो कमीशन लेने के लिए आपको स्क्रीन पे एक मोबाइल नंबर मिल जाएगा 70 37 87 75 30। आपको जो है इसका स्क्रीनशॉट जो है जरूर ले लेना, और इसका स्क्रीनशॉट लेके मेरे व्हाट्सएप पे मुझे बता देना 7 दिन के बाद जब आपके बैंक में पैसा आ जाता है, या पहले भी आप मुझको बता देना कि मेरा जो है इतना कमीशन हो रहा है, मेरा इतना लोन जो है अप्रूव हो चुका है। और मैं आपके पेटीएम नंबर आपको अपना सेंड कर देना, आपका जो पैसा है 1500 रुपये अमाउंट के हिसाब से मैं आपके बैंक अकाउंट में जो है ट्रांसफर कर दूंगा। और अगर बीच में कभी आपका प्रोसेस रुक जाता है, कभी दिक्कत आ जाती है, कट जाता है, कोई भी प्रॉब्लम जो है आ जाती है नेट बैंकिंग की, नेट की वजह से, तो आप मुझसे फिर भी मेरे मोबाइल नंबर पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उससे आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, सर मुझे लिंक प्रोवाइड करा दीजिए, यहाँ से मुझे प्रोसेस करना है, तो मैं आपको लिंक भी जो है सेंड कर दूंगा। और कभी समय भी ज्यादा हो जाता है कि हमारा जो पैसा बैंक में नहीं आया, वैसे तो 1 दिन के अंदर अंदर आ जाता है, अगर किसी कारण जो है नहीं आ पाता है तो आप जो है मुझसे पूछ सकते हो कि सर क्यों नहीं आया, तो हमारे आगे इस प्रोसेस को जो है करवाइए। यानी कि किसी भी प्रकार की आपको IIFL फाइनेंसिंग तरीके से दिक्कत आती है तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, वो भी जब जब आपने जो मैंने लिंक प्रोवाइड कराई थी उस लिंक के थ्रू करा था। अगर आप जो अपने रिलेटिव वगैरह के भी कराना चाहते हो तो आप जो है इसी लिंक से कराना, और मुझसे उस लिंक को व्हाट्सएप पे ले लेना अगर आप जो है और भी ज्यादा आगे लोन कराना चाहते हो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।